शांति दोस्तों, कैसे हैं आप? हम आ गए आपके लिए एक और नई कहानी लेकर, जिस कहानी का शीर्षक है मुजात्मा का घर। तो चलिए सुनते हैं। शाम हो गई है, सूरज अस्त हो रहा है, उसकी सुनहली किरण नदी के तट पर चमक रही है। पश्चिमी आकाश से मानो धरती पर सोना बरस रहा है। निर्मल यह नजारा देखकर मन ही मन नाच रहा है। जब उसने आकाश की ओर देखा तो पक्षियों की लंबी लंबी कतारें वापस लौट रही थी। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ ये सब कहाँ जा रहे हैं? उसकी माँ ने उत्तर दिया, बेटा ये सब दिन भर दाना चुगने गए थे, अब शाम बहुत हो गई है, इसलिए अपने घर वापस जा रहे हैं। दूर से धूल उड़ती देख छोटी मुन्नी ने भी पूछा, माँ ये धूल कैसे उड़ रही है? उसकी माँ ने उत्तर दिया, वो देखो एक गवाला अपनी गायों को चराकर कैसे खुशी खुशी अपने घर वापस जा रहा है, और दूसरी ओर देखो कैसे मजदूर स्त्रियाँ दिन भर मजदूरी कर कर खुशी के गीत गाते हुए अपने घर वापस लौट रही हैं। जैसे तुम भी जब अपने स्कूल से छूटते हो तो कैसे खुशी खुशी जल्दी जल्दी अपने घर वापस आ जाते हो ना, उसी प्रकार ये सब भी अपने घर जाते हुए कितने खुश नजर आ रहे हैं। माँ तुमने बताया था कि हम शरीर नहीं बल्कि हम आत्माएं हैं, तो आत्मा का भी तो कोई घर होगा ना? मुन्नी भी बोल उठी, हाँ माँ बताओ ना आत्मा का घर कहाँ है? माँ ने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, आत्मा का घर यहाँ से बहुत दूर दूर, पांच तत्वों की दुनिया से भी पार, चांद सितारों से भी पार, जिसे छठा ब्रह्म तत्व कहा जाता है, वही हमारा असली घर है। उसे परम धाम, शांति धाम, रूहों की दुनिया, निर्वाण धाम आदि भी कहा जाता है। वहाँ पर लाल लाल सुनहरा शीतल दिव्य प्रकाश है, जहाँ पर हम सभी आत्माएं अपने पिता परमात्मा के साथ अखंड शांति में रहती हैं। वहीं से ही हम सभी आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर यह पाठ बजाने के लिए आई है। बच्चे बोल उठे, हाँ माँ जब हमें भी अपना मीठा प्यारा घर याद आता है तो कितनी शांति और खुशी मिलती है। माँ ने कहा, हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अभी तो हमें अपना ये नाटक पूरा करना है, फिर हमारे पिता परमात्मा हमें स्वयं इस सृष्टि रूपी रंगमंच से ले जाने के लिए आएंगे। माँ ने कहा, अभी देर बहुत हो गई है, चलो हम अपने लौकिक घर चलें। दोस्तों मैं इस स्टोरी से जुड़े आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ, जिसका जवाब आप हमें नीचे लिखी ईमेल आईडी पर दे सकती हैं। पहला प्रश्न, हम कहाँ से आते हैं? दूसरा, परमधाम कैसा दिखता है? और तीसरा, हम परमधाम से सृष्टि रूपी रंगमंच पर क्यों आते हैं? समय हो गया है आपको अलविदा कहने का, हमें आपके आंसर्स का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, ओम शांति।